साथियों, बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती थी। पिछले 3 दशकों में लगातार बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश ने लंबे समय तक पॉलिटिकल विल पावर की कमी देखी। इस वजह से देश रिफॉर्म से, बड़े फैसले लेने से दूर ही रहा। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। फिनटेक का उदाहरण हमारे सामने है। जिस देश में कभी बैंकिंग ही एक प्रिविलेज मानी जाती थी, उसी देश में फिनटेक सामान्य नागरिकों के जीवन को बदल रही है। जहां कभी बैंकों के प्रति भरोसा कायम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, वहां अब दुनिया की 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रही है। हमारे हेल्थ सेक्टर को भी ये माना जाता था कि किसी बड़ी चुनौती को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की, देश की इच्छा शक्ति का परिणाम हमने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अनुभव किया है। कोरोना ने जब दस्तक दी तब हमारे पास पीपीई किट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ना के बराबर थे, कोरोना स्पेसिफिक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 1100 से अधिक पीपीई मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क भारत में तैयार हो गया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी शुरुआत में कुछ दर्जन लैब थी, बहुत कम समय में देश में 2500 से अधिक टेस्ट लैब्स का नेटवर्क बन गया। कोविड वैक्सीन के लिए तो हमारे यहां चिंता जताई जा रही थी कि हमें विदेशी वैक्सीन मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत में भी 190 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है। इसी प्रकार मेडिकल एजुकेशन में भी हमने एक के बाद एक अनेक रिफॉर्म किए। इसी का परिणाम है कि बीते 8 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 380 से बढ़कर 600 से भी अधिक हो गई है। देश में मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 90,000 से बढ़कर 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी हैं।